अच्छा जी, हमने हिस्ट्री एवोल्यूशन और एक इंट्रोडक्शन जो उनसे है उससे स्टार्ट करके तो हमने रिलेशनल मॉडल पे पहुंच गए, ठीक है। तो जिसको हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, जिसमें था सेंट्रल डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है और डेटा वेयर हाउस। तो हमने उसको तीन डिफरेंट टाइप मेजर टाइप्स में जो उनसे वो डिवाइड कर लिया था। और फिर जो उनसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने डिस्कस की थी, वो थी कि आर्किटेक्चर, कि हाउ वी विल एक्सेस द डेटाबेस। तो उसमें हमने जो उनसे वो टू टीयर मैंने बताया थे, एक तो जैसे सेम सिस्टम के ऊपर बाय यूजिंग द इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन मोड, और फिर जो उनसे क्लाइंट सर्वर जिसको टू टीयर आर्किटेक्चर कह देते हैं उसको एक्सप्लेन किया था। और फिर मैंने कहा था कि थ्री टीयर या मल्टी टीयर कम्युनिकेशन, तो जिसके अंदर ऑब्वियसली आपका इंटरनेट जो उनसे है या नेटवर्क इन्वॉल्व हो जाता है। टू टीयर क्लाइंट सर्वर में आपका जो उनसे वो नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, और वो लैन वैन और कोई भी हो सकता है वायरलेस एरिया नेटवर्क। और जो मल्टी टीयर है आर्किटेक्चर है उसके अंदर फिर आपका इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है। और जो इसके की फीचर्स थे वो मैंने कहा था कि आप लोगों ने पढ़ने हैं, और असाइनमेंट भी आपको एक दी थी, वो अपने आप सीआर और जीआर को सबमिट करवा दें, तो वो फिर मुझे ना एक लिस्ट बना के दे देंगे कि किन किन की सबमिट हो गई, तो वो मैं फिर चेक कर लूंगा, वो मुझे दे देंगे, वो उसको मैनेज कर लेंगे। तो जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसमें आपका इंटरनेट सॉरी आपका नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, और उसमें आप उसकी जो है उसको रन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक यूटिलिटी मैंने बताया था कि यूज करते हैं, जो कि आपकी डीबीएमएस की यूटिलिटी होगी, तो जिसके थ्रू आप करेंगे। तो अच्छा, उसमें ना एक जो मेजर फर्क है वो एक की फीचर्स में, एक तो आ गया इंटरनेट नेटवर्क इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा जो उसका की फीचर है वो ये है कि जो आपका एट अ टाइम यू कैन रन ओनली अ सिंगल एसक्यूएल कमांड, ठीक है, क्लाइंट सर्वर के अंदर दूसरा आ गया। और दूसरा ये आ गया कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो डम टर्मिनल होते हैं। डम टर्मिनल का मतलब ये होता है कि नो एनी टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विल बी डन ऑन द क्लाइंट्स, ऑल द प्रोसेसिंग विल बी डन ऑन द सर्वर साइड। मतलब आपने दो कंप्यूटर बनाए, एक आपने सर्वर बनाया, क्लाइंट बनाया, तो क्लाइंट पे जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा उसके ऊपर किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं होगी। सारा डाटा रिट्रीवल और प्रोसेस करना और उसको फॉर्मेट करना और सारा कुछ जो उनसे वो आपका होगा सर्वर साइड पे, और वो एंड रिजल्ट जो उनसे हैं वो आपके क्लाइंट को कर देगा। लेकिन आपका क्लाइंट जो उनसे वो बिल्कुल इंस्टॉलेशन फ्री भी नहीं होता। तो एट लीस्ट यू हैव टू इंस्टॉल द यूटिलिटी विच विल बी यूज टू एक्सेस द डेटाबेस सर्वर, दैट विल बी इंस्टॉल ऑन द क्लाइंट साइड। तो वो आप क्लाइंट साइड के ऊपर जो उनसे वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये जो मल्टी टीयर आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपका क्लाइंट जो उनसे ना वो डम टर्मिनल होता है और बिल्कुल इंस्टॉलेशन फ्री होता है। तो उसमें आपने किसी किस्म की भी इंस्टॉलेशन नहीं करनी होती, सिर्फ आपके पास ब्राउजर होना चाहिए। तो वेब ब्राउजर जो उनसे वो कोई भी हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो ब्राउजर के थ्रू जो उनसे ना यू विल एक्सेस दैट, और देन यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन सर्वर, और उसमें वो क्यू करेगा, टाइमिंग करेगा। फिर द मेजर एडवांटेजेस, यू कैन स्केजलिंग योर कमांड्स, कि आप एक कमांड देते हैं, आप कहते हैं ये कमांड जो उनसे ना ये 20 तारीख को सुबह 3 बजे ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो आप उसको स्केजूल करके रख दें तो वो 20 तारीख को इतने बजे रन हो जाएगी। तो इस तरह वो आप स्केड्यूल कर सकते हैं। फिर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि पहले मेरी ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये वाली हो, और इस तरह। तो वो सारे काम तो वो आपके जो उनसे वो यूजर के बिहाफ पे, तो वो एप्लीकेशन सर्वर जो मिडल टीयर है वो ये सारे काम परफॉर्म कर रही होती है, तो इसलिए वो आप ये काम कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं रिलेशनल मॉडल। तो अब हम थ्रू आउट ये सारा जो उनसे इंट्रोडक्शन और कह लें कि वो सारा हो गया, हिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली, तो अब हम थ्रू आउट दिस कोर्स जो उनसे है ना वो रिलेशनल मॉडल जिसको सेंट्रलाइज डेटाबेस हम कहते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी, रिलेशनल डेटाबेस डीबीएमएस, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी वही है कि एप्लीकेशन है विच विल होल्ड द यूजर डेटा परमानेंटली इन द डेटाबेस एंड विल प्रोवाइड द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन दिस डेटा, ठीक है, रिट्रीवल डेटा, रिट्रीवल, इंसर्शन, अपडेशन,
इट इज कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हुज ओवरऑल पर्पस इज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड टू मेक दैट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन डिमांड। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। देखिए डेटाबेस का ना एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि टू स्टोर द डेटा परमानेंटली एंड टू मेक इट अवेलेबल फॉर द यूजर्स व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड। इसके अलावा और कोई नहीं होता। हाँ, लेकिन यह है कि उसमें फिर फर्दर उसमें आ जाता है, एक तो यह कि डाटा मेन ऑब्जेक्टिव है कि परमानेंटली स्टोर हो, मतलब एक दफा जो डाटा स्टोर हो गया वो डाटा लॉस ना हो, ये उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव आ गया। और दूसरा ये है कि रिट्रीवल, डाटा रिट्रीवल। अच्छा, डाटा रिट्रीवल एक और चीज है और उसको एफिशिएंटली रिट्रीव करना ये और चीज है। तो हमारा जो पूरा, हम जो टेक्निकल यूजर्स होते हैं, दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं। जब भी आप यूजर्स की बात करते हैं ना, टाइप्स ऑफ यूजर्स की, तो ये बात आपने याद रखना है। तो दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एक तो होते हैं जी नेव यूजर्स, उनको कहते हैं वो एंड यूजर्स होते हैं, विच आर नॉट फेमिलियर विद द सिस्टम, विच आर नॉट टेक्निकल यूजर्स। तो वो सिर्फ ना सिस्टम को यूज करते हैं, लाइक क्लेरिकल स्टाफ है या और डेटा इंटरप्रेटर्स हैं, तो ये सारे, तो वो टेक्निकल यूजर, उनको नो हो नहीं होती कि डीबीएमएस क्या चीज है, डेटाबेस क्या चीज है, उसमें कैसे डेटा होता है। दे जस्ट यूज द सिस्टम, वो फेमिलियर होते हैं कि ये फॉर्म ओपन हो जाएगा वो फिल करेंगे, तो या ये वो इधर अपना सेव का बटन दबाएंगे डाटा सेव हो जाएगा, तो वो नेव यूजर्स उनको कहते हैं। और एक होते हैं, उनको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, तो दे आर एक्चुअली टेक्निकल पर्संस, ठीक है। तो दे कैन, दे अंडरस्टैंड द डीबीएमएस, दे अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द डीबीएमएस, दे अंडरस्टैंड द डेटाबेस सिस्टम एंड हाउ टू हैंडल द डेटाबेस सिस्टम, एंड दे कैन डिजाइन द एडहॉक क्यूरीज। रन टाइम के ऊपर जो क्यूरीज आप डिजाइन करते हैं ना, एक होता है बिल्ट इन क्यूरीज कि आप एक बटन आपने लगाया, आप कहते नहीं जैसे ये बटन सेव का बटन लगाया, जैसे ये सेव का बटन प्रेस होगा, उसके जाहिर है उसके बैकएंड पे आपने इंसर्ट की क्यूरी लगाई होगी, तो वो डाटा जो है वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। और एक आपने शो का बटन लगाया हुआ है, तो वो जैसे ही वो शो का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बैकएंड पे आपने क्यूरी लिखी होगी, वो डाटा जो है वो रिट्रीव करेगा और शो कर देगा। तो दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन क्यूरीज, जो कि आपने एम्बेड की होती है कोड की फॉर्म में, जो है वो लिखी होती है। एक होता है एडहॉक क्यूरीज, तो वो शो का बटन आप प्रेस करते हैं तो वो तमाम यूजर्स का डाटा शो कर देता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं तमाम स्टूडेंट्स का डाटा नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा देखना चाहता हूँ जो गुजरावाला से बिलोंग करते हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड द एडहॉक क्यूरीज, कि यू आर एक्चुअली नाउ गोइंग टू अमेंड यूर क्वेश्चन, तो आप रन टाइम के ऊपर उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड यूजर जो उनसे है ना, वो एडहॉक क्यूरीज रन कर सकते हैं, ठीक है। RDBMS जो उनसा है, ये आपको ये सारे फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। दैट डाटा इज परसीव्ड बाय द यूजर एज टेबल्स, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ये जो उनसा है ना, जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करेंगे ना, हम बात करें तो वी कैन डिफाइन रिलेशनल मॉडल दैट आर डाटा विल ओनली बी स्टोर इन द टेबल्स, तो देर इज नो एनी अदर एंटिटी, नो एनी अदर कंटेनर, नो एनी अदर ऑब्जेक्ट इन विच वी कैन स्टोर द डाटा। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर सिर्फ जो उनसा है वो टेबल्स होंगे जिसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर करेंगे। और द डिफरेंट ऑपरेटर्स जो से ये हम पढ़ेंगे, एक दिन हम रख लेंगे रिलेशनल मॉडल एसक्यूएल स्टार्ट करने से पहले, रिलेशनल अलजेब्रा। तो उसके जितने भी ऑपरेटर्स हैं ना, दोज आर एक्चुअली कह लेंगे आइडिया वही है, एग्जीक्यूशन वही है, प्लान वही है, और वो कैसे काम करते हैं और कैसे चलेंगे, तो वो उसी के ऊपर बेस करते हैं। जैसे ये रिस्ट्रिक्ट है, प्रोजेक्ट है, ज्वाइन है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इंटरसेक्शन है, और इस तरह के सारे जो उनसे ना रिलेशनल अलजेब्रा के हैं, तो वो उन्हीं के ऊपर बेस करेगा। तो हम उसको जो उनसे वो पहले डिफाइन कर लेंगे। अगर आप उनकी फंक्शनैलिटी एक दफ़ा समझ गए ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो जो रिलेशनल अलजेब्रा वाला टॉपिक जैसे हम करेंगे ना, तो आपने उसको समझना है कि वो काम कैसे करता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप जिस फॉर्म में इनपुट देते हैं, आपके पास आउटपुट भी उसी फॉर्म में आए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOUSER, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये जो आपका रिलेशनल मॉडल बनेगा, इट हैज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। उसकी वजह यह है कि वी विल इनपुट
द टेबल्स इनटू द ऑपरेशन। कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं या कोई और काम करने सिलेक्शन करते हैं, तो हम किस फॉर्म में उसको देंगे? टेबल्स की फॉर्म में देंगे। और वो हमें आउटपुट किस फॉर्म में देगा? टेबल की फॉर्म में देगा। वो उसको प्रोसेस करेगा। तो दो ज्वाइन का हमने किया, हमने दो टेबल्स इनपुट किए और आउटपुट वो हमें उनको ज्वाइन करके तो एक टेबल इनपुट आउटपुट दे देगा। तो इस तरह इसको जो है ना, इनपुट की और आउटपुट की सेम फॉर्म होती है। तो हम तो इसका इसको मतलब ये होता है कि देन वी कैन आल्सो परफॉर्म द चेन रिएक्शंस, चेन ऑपरेटर्स, कि आप जो है एक ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसकी जो आउटपुट आएगी उसको दूसरे ऑपरेशन की इनपुट बना दें तो वो परफॉर्म करें, और फिर जो दूसरे ऑपरेशन की आउटपुट आएगी उसको तीसरे की इनपुट बना दें। तो इस तरह आप यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशन इन अ सीरीज, इन अ चेन, ठीक है, विदाउट विदाउट शोइंग द आउटपुट। तो आप कहेंगे कि ये चार ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मुझे आउटपुट शो, तो वो आप कर सकते हैं कि आप एक ऑपरेशन करें उसकी आउटपुट पे दूसरा ऑपरेशन करें फिर तीसरा करें और चौथे के बाद वो आपको रिजल्ट शो कर दें। तो ये जो है ना, ये उसी सूरत में होता है जब आपकी इनपुट आउटपुट जो है वो सेम फॉर्मेट में हो। तो ये भी इसमें होता है। तो इसको हम ये मैं कह रहा था कि ये जिस दिन हम रिलेशनल अलजबरा करेंगे ना, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस। तो अगर आपको ये इसकी वर्किंग समझ आ गई ना, तो फिर आपके लिए क्यूरीज डिजाइन करना ना बड़ा ईजी हो जाएगा, फिर आपको रटा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू यूर क्वेश्चन यू कैन डिजाइन द क्यूरीज। जस्ट एक सेकेंड वेट। अच्छा जी, तो वो आपने फिर आप जो उनसे ना वो क्यूरीज को डिजाइन करें, क्योंकि आपको पता होगा कि वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देन यू कैन डिसाइड एज वेल कि मैंने इधर कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम सारे ऑपरेटर पढ़ लेंगे, सारे हम ऑपरेशंस पढ़ लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा, उसको सिलेक्शन ऑफ जो ऑपरेटर है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं आपको बाद, जब हम डेटा वेयर हाउस की जब आप क्यूरीज डिजाइन करते हैं ना, तो वो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं, और एक क्यूरीज जो होते हैं ना वो 8-8 घंटे भी एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि उसने लार्ज आर्काइव डेटा सेट से डेटा जो है वो रिट्रीव करके लाना होता है। तो अगर आप कोई एक गलत क्लास का मतलब ये नहीं कि आपका आउटपुट गलत आएगा, मतलब कि उधर ज्वाइन नहीं लगना था और उधर सब क्यूरी से काम हो सकता था, लेकिन आपने गलत डिसीजन लेके आपने ज्वाइन लगा दिया, आउटपुट आपकी सेम होगी, लेकिन डिफरेंस ये आ जाएगा कि मे बी कि आपकी जो एक क्यूरी है वो 3 मिनट में कंप्लीट होनी थी, हो सकता है वो 35 मिनट में कंप्लीट हो रही हो। तो ये जो है ना, इसलिए क्यूरी को कहते हैं कि क्यूरी को हमेशा डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, क्यूरी बनानी पड़ती है, और एफिशिएंट क्यूरी डिजाइनिंग जो है ना दैट्स आर्ट। तो वो आप जिस तरह जितना ज्यादा काम करेंगे ना, तो उस तरह यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड द कह लें कि फंक्शनैलिटी, एंड देन यू विल गेट द लर्न द आर्ट टू डिजाइन द एफिशिएंट क्यूरीज। तो इसलिए इस पे आपने थोड़ा सा ज्यादा काम करना है, तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि आप कैसे क्यूरीज को करते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में तो जाहिर है कि हम डेटा को करेंगे रिलेशनल मॉडल। मॉडल देखिए कोई भी होता है कि कोई भी जब आप एक प्रॉब्लम लेते हैं तो आप उसको जो है ना वो प्रपोज करते हैं, उसका सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, मीन्स कह लें कि एक आइडिया, ठीक है। So it is a perception for a way of representing the data by means of table. So देखिए relational model का मतलब ये होगा कि मैं आपको कहता हूँ कि जी ये students की database बना के दें PUGC के लिए। तो अब आप एक model पहले design करेंगे, एक idea conceive करेंगे कि जी कौन कौन से tables होंगे और उनका किस के साथ relation होगा। Let's suppose हम कर लेते हैं जी कि हमारे पास 3 tables होंगे, एक student का table होगा, एक course का table होगा और एक teachers का table होगा। तो इनका रिलेशन ये होगा कि स्टूडेंट और वो कोर्स का रिलेशन होगा कि स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज इनरोल करते हैं, और फिर कोर्स और टीचर का रिलेशन होगा कि उससे ये हमें पता चलेगा कि टीचर कौन कौन से कोर्सेज जो उनसे वो पढ़ा रहा है। तो ये उनका रिलेशन हो गया। तो दिस विल बी कॉल्ड योर रिलेशनल मॉडल। तो फर्स्ट यू विल actually present your idea, you will conceive, you will perceive the idea, how the data and what data will be stored in the database and what will be the relationing of that data. So uske baad jo unsa hai na, fir aap usko physically create karte hain aur wo sara karte hain.
इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी इसलिए इसको कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन ये कि ये एक आपका आइडिया होगा कि आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इसको, और ये मैथमेटिशियन था जोन सा, ये EF कोड, ठीक है, तो उसने उसके प्रिंसिपल दिए थे। तो ये आपकी, ये आप लोगों ने, एक बंदा मुझे बताया कि ये जो EF कोड के प्रिंसिपल हैं ये आप करके आए कि ये करने हैं अभी? सर ये आपने थर्सडे तक टाइम दिया था जी, सर आपने थर्सडे तक टाइम दिया था इसका। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त है, बस ठीक है। ये आपने, मैंने अभी बस वो पूछ रही था कि मैंने कह दिया आपको कि नहीं कहा, तो ये आपने थर्सडे तक ना EF कोड के 12 रूल्स जो उनसे है ना, उनको एक तो उनको अंडरस्टैंड करके आना है, ये नहीं कि सिर्फ लिख के ले आना है। आपको 12 का ना एग्जैक्ट पता हो कि अगर वो कहता है कि ईच सेल कैन ओनली हैव एटॉमिक वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट उसका रूल है, तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? ये आपको ना बड़ा क्लियरली जो उनसे ना वो इसका आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो अगर उसमें कोई चीज आपको कंफ्यूजन होगी ना, तो यू कैन आस्क ऑन थर्सडे, तो वो कोई मसला नहीं है। उसमें असाइनमेंट का मतलब ये है कि फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यूर सेल्फ, ठीक है। तो अगर कोई होगा तो वो हम, आप इधर क्वेश्चन कर लें, इधर लिख लें उधर पहले टेक्स्ट में, तो मैं उसको जो उनसे ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपके EF कोड हो जाएंगे, तो क्योंकि वो सारे ये उसी के ऊपर बेस करते हैं, फिर हमें ना कोई वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो उसकी बेस के ऊपर हम देख लिया करेंगे कि जी ये टेबल हमने एक बनाया, तो अब हमने डिसाइड करना है कि दिस टेबल शुड बी इन द डेटाबेस और नॉट, तो हम सिंपल वो रूल्स इस पे अप्लाई करेंगे। तो अगर कोई एक भी रूल उसको वायलेट करता हुआ तो दैट टेबल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, तो ये वेरी क्लियर हो जाएगा। तो वो आपको ईजी हो जाएगा कि आपने डिसाइड करना है कि ये टेबल होना चाहिए या ये आपने टेबल ठीक बनाया कि नहीं ठीक बनाया, तो वो उसी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आज देख लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, रिलेशन जो उनसे ना, एक जो टेबल है वो टेबल को रिलेशन फाइल, इसका कोई भी नाम हो सकता है, रिलेशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो टुपल और टुपल जो उनसे ना, ये होता है रोज को, तो नंबर ऑफ रोज विल बी कॉल्ड द टुपल ऑफ दैट रिलेशन, ये उसकी कह लेंगे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। रोज नॉर्मली नहीं कहते, टुपल्स कह देते हैं। तो के इसकी और एट्रीब्यूट जो उनसे ना, ये उसके कॉलम को कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जी कि ये जो रिलेशन है इसकी कितने टपल्स हैं, और व्हाट इज द टपल ऑफ दिस रिलेशन एंड द एट्रीब्यूट, तो द नंबर ऑफ रोज विल बी कॉल्ड द टपल्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी कॉल्ड द एट्रीब्यूट ऑफ दिस रिलेशन। अच्छा, इसमें फिर आ जाता है कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी कहते हैं किसी भी रिलेशन की नंबर ऑफ टपल्स को, ठीक है। तो जितनी उसकी टोटल नंबर ऑफ टपल्स होंगी, that will be called the cardinality of that relation. अगर एक टेबल है और उसकी 200 tuples हैं, तो हम कहेंगे कि इसकी cardinality 200 है। और अगर एक टेबल है उसकी डिग्री कहेंगे number of attributes को, ठीक है। तो कि the number of attributes in a relation will be known as the degree of that relation. तो अगर एक टेबल है उसकी अगर 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री 5 है। और इसी तरह फिर डोमेन, अच्छा डोमेन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ना बड़ा क्लियर होना चाहिए। डोमेन हम कहते हैं कि द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट विल बी कॉल्ड एज द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ कॉलम, क्योंकि जब आपने कॉलम डिफाइन करना है ना, अब आपने उसकी डेटाबेस, उसका साइज डिफाइन करना है, तो आप उसकी सबसे पहले उसकी डोमेन डिफाइन करेंगे। और डोमेन डिफाइन करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दैट एट्रीब्यूट, कि व्हाई यू आर इंक्लूडिंग दिस एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो देन यू कैन डिफाइन द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। अब उसकी हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपने कहा जी कि ये नाम जो है, नेम का एट्रीब्यूट है, ये आप इस रिलेशन में रखना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का रिलेशन या एम्प्लॉय का रिलेशन है, और इसमें आप नेम रखना चाह रहे हैं। तो अब आपको फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस कॉलम। तो जाहिर ऑब्वियस बात है कि इसका सिंपल पर्पस ये है कि वी वांट टू स्टोर द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अच्छा जी, ये उसका पर्पस हो गया। अब आप उसकी डोमेन सेट करेंगे, तो डोमेन में यू कैन से दैट कि इन द नेम्स ओनली द अल्फाबेट कैरेक्टर्स शुड बी अलाउड, ठीक है। तो नो
स्पेशल करेक्टर्स और नो नंबर्स शुड बी अलाउड इन द दिस एट्रीब्यूट, तो वो अलाउड नहीं होने चाहिए. तो ये उसकी डोमेन होगी. ठीक है, तो डोमेन में जो आंसर वो फिर आप डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको इजी हो जाएगा कि जब आप उसके ऊपर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे और डिफरेंट चेक्स लगाएंगे, देन यू कैन इम्प्लीमेंट दिस डोमेन बाय यूजिंग दोज कंस्ट्रेंट्स और चेक्स. तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम एज की बात करें, तो ज़ाहिर है एज का मतलब ये है कि यू वांट टू स्टोर द एज ऑफ द एम्प्लॉइज, और फिर इसमें सिर्फ नंबरिक वैल्यूज आ सकती हैं, ये उसकी डोमेन होगी. और फिर जो है, या अगर आप उसकी ईयर में ले रहे हैं, तो ईयर्स में तो आप कहते हैं कि जो करंट ईयर है इसके बाद वाले अभी उसमें नहीं आ सकते. मतलब इस तरह की कोई भी जो है ना, वो पॉसिबल सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स और आप कंडीशंस लगा सकते हैं. तो ये उसकी डोमेन हो गया. तो जब भी हम टेबल डिफाइन करेंगे, तो उसकी आप तमाम एट्रीब्यूट्स की डोमेन जो है ना, वो डिफाइन कर लेंगे, तो वो फिर आपके लिए ईजी होगा उसके ऊपर डिसाइड करना कि किस एट्रीब्यूट पे कौन सा आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है और चेक लगाना है. अच्छा, ये जो हम है ना, ये उसकी इम्पोर्टेंट कहने के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. नंबर वन हो गया स्केलर वैल्यू, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एट एवरी रो एंड कॉलम पोजीशन इन एवरी टेबल देर इज ऑलवेज एग्जैक्टली वन डाटा वैल्यू, कि जिधर भी आपके एक रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन हो रही होगी, उधर कैन ओनली स्टोर अ सिंगल वैल्यू. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी और मेन प्रॉपर्टी है आपके टेबल की, कि यू कैन नॉट स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इन अ सिंगल सेल, जिसको सेल कहते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम विल बी कॉल्ड एज अ सेल. तो सेल के अंदर जो है ना, वो मोर देन वन वैल्यूज नहीं हो सकती. ये मैंने लास्ट टाइम बताया भी था. अच्छा, अभी जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं एक नया सेशन स्टार्ट करके तो आपको माई एस क्यू एल का वो दे दूंगा गाइडलाइन के कैसे करना है उसको. तो इसलिए आपने इधर ही रहना है. रिपीटिंग ग्रुप जो है वो मोर देन वन कॉलम्स विच आर लॉजिकली रिलेटेड, ये हमने लास्ट टाइम किया था मेरा ख्याल है. कि लाइक जैसे एक स्टूडेंट है, हम कहते हैं जी उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स और उसकी डिग्री, उसका कम्प्लीशन ईयर, तो ये सारे आपस में लॉजिकली रिलेटेड होंगे. तो इसलिए मोर देन वन लॉजिकली रिलेटेड कॉलम्स विल बी कॉल्ड एज द रिपीटिंग ग्रुप, और DBMS विल नॉट अलाउ द रिपीटिंग ग्रुप. तो ये जो है इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और रिपीटिंग ग्रुप जो है वो अलाउड नहीं होते. तो वी हैव टू सॉल्व, दीज आर कॉल्ड अनवांटेड प्रॉपर्टीज. तो वी विल रिमूव ऑल दीज प्रॉपर्टीज, लाइक अगर कोई रिपीटिंग ग्रुप आ रहा है, कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्या उसको कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है हम रिमूव करेंगे, क्योंकि टेबल के अंदर ये अलाउड नहीं होंगे. ऑप्टिमाइजेशन, अ सिस्टम कंपोनेंट दैट डिटरमाइन हाउ टू इंप्लीमेंट द यूजर रिक्वेस्ट. तो जाहिर है कि वो यूजर की जो भी आपने काम करना है ना. अच्छा, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि इसमें कोई भी चीज ना हार्ड फास्ट रूल नहीं है. मतलब कि अगर मैंने कह दिया कि जी आईडी जो है ना, ये हमेशा 1 to 100 ही होगा, ठीक है ना, 1 to 3 होगा, तो ये कभी भी ये रूल नहीं बन जाएगा कि हमेशा आईडी यही आएगा. सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है नहीं हम लिखते हैं E1, E2, E3, उनका ये रूल आ जाएगा. एक ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं नहीं हम लिखते हैं कि पूरा एम्प्लॉय और हम लिखते हैं 001, उनका ये रूल हो जाएगा. तो इस तरह कोई भी एट्रीब्यूट हो, कुछ भी हो, तो हमने जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, तो वी हैव टू एक्चुअली एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट एंड द डिज़ायर ऑफ द यूज़र, कि जिसके लिए आप सिस्टम बना रहे हैं, तो हमने उसकी रिक्वायरमेंट जो भी है उसको इम्प्लीमेंट करना. तो इसलिए इसमें कोई भी चीज़ ना फिक्स नहीं होगी. तो आप ये नहीं कह सकते कि जी हम जो सी डे जो वर्किंग डे है ना, वो हमेशा मंडे से स्टार्ट होगा. एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती नहीं हमारा वर्किंग डे फ्राइडे से स्टार्ट होता है, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं सारी दुनिया में तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है. नहीं, क्योंकि वो आप उनके लिए सिस्टम बना लिया एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, तो आपने वो करना है. एक ऑर्गेनाइज जिसके लिए आप सिस्टम बना रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो थर्सडे को वर्किंग डे स्टार्ट होता है, फर्स्ट वर्किंग डे, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके मुताबिक सिस्टम डेवलप करेंगे. तो ऑल विल डिपेंड अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर विच यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम. तो इसलिए कहते हैं कि सिस्टम कंपोनेंट दैट डिटरमाइन हाउ टू इम्प्लीमेंट द यूजर रिक्वेस्ट. तो ये उसकी ऑप्टिमाइजेशन. तो जो भी आप सिस्टम बनाएंगे उसकी आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे. और कैटलॉग मैंने लास्ट टाइम बताया था,
ये मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी कि नहीं दी थी? एक बंदा मुझे बताए। ठीक नो सर, इसे रिलेटेड नहीं थी। है, तो ये अब आपकी ये भी असाइनमेंट होगी, ये थर्सडे तक ना, ये भी सबने अभी एक असाइनमेंट हुई है ना आपकी अब तक रिटर्न जो मैंने दी है। यस सर। हाँ जी, तो ये दूसरी असाइनमेंट है, ये लिख लें। तो कैटलॉग आपने, यू विल डिफाइन द कैटलॉग, और ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, पैसिव डेटा डिक्शनरी और एक्टिव डेटा डिक्शनरी। तो यू विल एक्सप्लेन इन डिटेल द फीचर्स ऑफ द पैसिव एंड एक्टिव डेटा डिक्शनरी, और वो कैसे काम करती हैं। तो ये जो है ना, इसकी सारे जो फीचर्स, की फीचर्स है ना, वो आपने लिखने हैं। कैटलॉग क्या होती है? हाँ, अगर उसमें आप कहीं से कुछ पढ़ते हैं और आपको समझ नहीं आता, तो वो आप यू कैन आस्क क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम।